नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैशटैग क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं बेंजीन के बारे में। दोस्तों बेंजीन का संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बेंजीन का रासायनिक नाम क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या है, बेंजीन कब बना, किसने बनाया, बेंजीन कैसा होता है दिखने में और बेंजीन का क्वथनांक घनत्व क्या होता है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, बेंजीन, बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 ये होता है। ये बेंजीन अणु है और बेंजीन अणु में कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 होता है, ठीक है। तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 से बेंजीन बनता है। इसका रासायनिक सूत्र है C6H6। दिखावट इसका दोस्तों कलरलेस लिक्विड की तरह होता है, यानी कि रंगहीन होता है, ठीक है। किसका दिखावट, बेंजीन का दिखावट। इसका मोलर द्रव्यमान 78.11 ग्राम प्रति मोल होता है, 78.11 ग्राम प्रति मोल होता है। और इसका घनत्व दोस्तों 0.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। गलनांक इसका 5.53 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 279 केल्विन होता है, फॉरेनहाइट में 42 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। गलनांक किसका, बेंजीन का। बेंजीन का क्वथनांक होता है दोस्तों डिग्री सेल्सियस में 80.1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 353 केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट में 176 डिग्री फॉरेनहाइट क्वथनांक होता है। किसका, बेंजीन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यह जल में क्या होता है तो घुलनशील होता है, घुल जाता है। यह कहाँ मिलता है तो पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के रूप में यह पाया जाता है, यानी कि बेंजीन दोस्तों पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, गैस के रूप में नहीं दोस्तों, सॉरी, पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। फैराडे ने 1825 ईस्वी में सबसे पहले इसे प्रतिपादित किया था, पाया था, और मिट सरले ने 1834 ईस्वी में पाया था, बेंजोइक अम्ल से ही ये बेंजीन बना। ये सबसे पहले मिट सरले ने 1834 ईस्वी में कर दिखाया दोस्तों। तो सबसे पहले किसने, फैराडे ने, कब, 1825 ईस्वी में। उसके बाद बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बना, उसको किसने बनाया तो मिट सरले ने 1834 ईस्वी में बनाया, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। और दोस्तों जर्मनी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जर्मनी में बेंजीन को बेंजोल कहा जाता है, जर्मनी में बेंजीन को बेंजोल कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों बेंजीन का संरचना सूत्र कैसे बनता है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है, चलिए देख लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको संरचना सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं बताऊँगा। बहुत आसान है, चुटकियों में आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये रहा, आप लोगों को ऐसे बनाना है, कार्बन को 6 बार लेना है, एक सामने सामने और 2 सामने सामने, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, एक बार आपको ऐसे करना है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कि एक बार कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए। पहली बार में आप अगर सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो दूसरी बार में आपको डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल, ठीक है। और सबके ऊपर में एक ऐसा छोटा सा लगा दीजिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी दोस्तों, संरचना सूत्र बेंजीन का। और सबके ऊपर में हाइड्रोजन लगा दीजिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन जो है सबके ऊपर में लगा दीजिए, बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनता है, चलिए दिखाते हैं। ये कहाँ से सिंगल बॉन्ड आया, कहाँ से डबल बॉन्ड आया और कैसे आया, सारी चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बन का
परमाणु संख्या 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना मैंने सिखाया था आप लोगों को। अगर नहीं मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बनाते हैं 2 और 4, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे देखिए, एक तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये ध्यान रखिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक इधर रखना है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इधर रखना है। 2 हो गया, फिर ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक इधर रखना है। यानी एक कार्बन का 4 जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में दोस्तों। तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे सजाना है वो आप पे निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको संरचना सूत्र आता है तो बहुत आसानी से आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इधर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक रखना है, इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक रखना है, लेकिन नीचे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको 2 रखना है दोस्तों। फिर इस कार्बन के पास आ जाइए तो यहाँ देखिए, इस साइड में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, ऊपर डबल बॉन्ड है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, लेकिन नीचे दोस्तों सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। इसी कार्बन के पास सेम टू सेम, यहाँ देखिए इससे ठीक ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, नीचे भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है दोस्तों तो यहाँ पे आपको डबल रखना है। यहाँ सेम टू सेम, अगर डबल है तो डबल, और इस साइड देखिए सिंगल है यहाँ पे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए भी दोस्तों देखिए, इसके लिए भी नीचे सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, और बाएं साइड में यानी कि इस साइड में दाहिने साइड में जो है यहाँ देखिए वो सिंगल बॉन्ड है तो इस साइड में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन ऊपर दोस्तों डबल बॉन्ड है तो डबल इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। अब समझ गए होंगे कि एक कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको याद रख लेना है, समझ लेना है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए कहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता रहा हूँ, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डिटेल्स में आपको इसमें नहीं बताऊंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, एक कार्बन को आपको 4 इलेक्ट्रॉन देना था। अब आपको क्या करना है कि देखिए, इस साइड में सबसे ऊपर वाले साइड में हाइड्रोजन को रखना है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन भी होता है बेंजीन का, C6 और H6। कार्बन दोस्तों 6 बार है इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 बार कार्बन को लिया, क्योंकि कार्बन 6 बार आता है किसमें, तो बेंजीन में। अब ध्यान दीजिए कि सभी तत्व, दुनिया में जितना भी तत्व है वह सभी तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए दोस्तों, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसलिए देखिए हाइड्रोजन क्या किया, एक इसका अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, जहां जहां सिंगल दिख रहा है वहां पे एक हाइड्रोजन को रख दीजिए दोस्तों, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, इसलिए मैंने हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु देख रहे हैं, बिंदु इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का है, किसका है, हाइड्रोजन का दोस्तों, हाइड्रोजन का है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कार्बन क्या करेगा, सबसे इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन के बॉक्स में देखिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8 मिल गया। अब सभी ये कार्बन का तो हो गया, ये हाइड्रोजन भी चाहेगा हमको 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये अपना है, और ये हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि कार्बन भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया दोस्तों, यानी यहाँ आदान प्रदान हो रहा है, साझा हो रहा है। अब ये कार्बन भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरह से क्या कीजिए, जहाँ जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन इससे साझा कर लिया, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये साझा कर लिया हाइड्रोजन, लेकिन ये कार्बन भी क्या करेगा, 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक कार्बन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये कार्बन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया। ये कार्बन भी क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देखिए, और इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा बनाने में।
लग रहा है कितना बड़ा फिगर है लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। अब इस कार्बन भी क्या करेगा, ये कार्बन जो था इस कार्बन से देखिए दो इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो ये कार्बन भी क्या करेगा, इससे दो इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन में ये खुश हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब दोस्तों, इसमें जितना भी तत्व है वो सभी हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन हो, वो कार्बन और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में ध्यान से देख लीजिए जहां जहां पे बॉक्स बनाए दोस्तों। ये देखिए इस बॉक्स में दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है इस बॉक्स में, देखिए चार इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। अब यहाँ देखिए इस बॉक्स में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन बना, तो कहाँ, यहाँ पे, यहाँ देखिए एक एक सिंगल बॉन्ड बना दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल बॉन्ड। जब भी दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन होगा तो वह सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब चार इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉक्स में तब दोस्तों आपको डबल बॉन्ड बनेगा, और जब छः इलेक्ट्रॉन होता है किसी बॉक्स में दोस्तों तब वहाँ पे तीन बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड यहाँ कैसे बना, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ दो और दो चार इलेक्ट्रॉन है, और हर हाइड्रोजन में देखिए जितना भी छः हाइड्रोजन है सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सभी हाइड्रोजन के पास देखिए उस बॉक्स में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए इस हाइड्रोजन के पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास, यानी सारे हाइड्रोजन के पास बॉक्स में केवल और केवल दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्वथनांक, मोलर द्रव्यमान, रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र, रासायनिक नाम, आप लोगों को बेंजीन के बारे में किसने बनाया, कब बनाया, सारी चीज़ जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा दोस्तों। बेंजीन से रिलेटेड अब कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो अब आप लोगों से नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखे हैं, वीडियो को स्किप करके देखे हैं, तो आप लोगों को कुछ कुछ जानकारी नहीं समझ में आया होगा। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा अच्छी तरह से देखे हैं तो आप लोगों को बेंजीन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से आप लोग संतुष्ट होंगे, इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बात दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।